हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। लॉकडाउन बढ़ गया, 30 तारीख तक लॉकडाउन हो गया। चलो और मजा आएगा, अभी तो सब पेट भरा नहीं, और कुछ कार्टून देख ले, पढ़ने के बहाने मोबाइल पे गेम खेल ले, क्या सही बोल रहा है ना? छोटे बच्चों को तो समझ में आता है 2 क्लास 3 क्लास 1 क्लास का, पर आपके जैसे बच्चे ऐसा करें शोभा नहीं देता है। क्लास ईट के बच्चे, सिविल के बच्चे इस तरह का हरकत करें अशोभनीय लगता है, क्योंकि आप अच्छा और बुरा समझ सकते हैं, आपके अंदर और वो क्षमता आ चुकी है। Who is best, who is bad? तो आप तो अच्छे करें। लॉकडाउन बढ़ता ही रहेगा, हो सकता है जून के 30 मई के बाद भी कुछ बढ़ जाए। ऐसा थोड़ी है कि 1 जून को सरकार बोलेगी कि स्कूल खोल दो, पहले स्कूल खुलेगा कि और सब खुलेगा, सब खुलने के बाद स्कूल खुलेगा। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लीजिए ना, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे, बहुत पीछे। सोचे भी नहीं होगे कितना पीछे। क्या करें सर, एक ही काम हर रोज करते करते मन भर जाता है, क्या सही बोल रहा है? एक ही काम प्रत्येक दिन, जैसे अगर मान लो कि तुम्हें पनीर और पूरी छोला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी डेली वही चीज खिलाने लगे ना, तो तुम्हारा मन भर जाएगा और कहोगे दाल चोखा अच्छा लग रहा है, छोला पूरी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो भोजन था, ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई से कभी भी थकना नहीं है। जो लगातार मेहनत करेगा एजुकेशन में वही आगे बढ़ेगा। लंबा मेहनत करना होगा, घबराने से नहीं होगा, ये लॉन्ग टारगेट है। लॉन्ग टारगेट यानी आज हम अपने टारगेट को तय करते हैं और प्राप्त करने में 15 से 20 साल लग जाता है। शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है एजुकेशन, शॉर्ट टर्म छोटे छोटे काम होते हैं, जो आपने अभी बोला गया 2 घंटे में अपना टारगेट पूरा, पर ये वो चीज थोड़ी है। तो आपको निरंतर मेहनत करना, निरंतर बिना रुके हुए, तब जाकर के कामयाब होंगे। भैया ये एजुकेशन है, ये नहीं कि अक्सर हम परीक्षा जब आता है ओ चलो भाई अभी तो मैट्रिक के परीक्षा में या कोई भी एग्जाम हो 3 महीना टाइम है, चलो 10 दिन और मजे कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ऐसे ही करते 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 जब 10 दिन बच जाता है एग्जाम का, तब स्टूडेंट अपना बुक निकाल, तो समझ भी नहीं आता क्या करूं, ये पढ़ूंगी वो पढ़ू क्या पढ़ू, इतने सारे लेसन है। और इफेक्ट क्या होता है परीक्षा में, परसेंटेज मार्क्स कम, नंबर कम आता है। अभी संडे को जो हमने एग्जाम दिया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेजा, बहुतों ने नहीं भेजा, एक ने कह दिया बहुतों ने, तो मैं क्या समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि उसके नंबर कम आए, इसीलिए शर्म से नहीं भेजा कि सर क्या कहेंगे बहुत कम नंबर आया। हाँ, तो आप जब तक दिल से मेहनत नहीं करेंगे, दिल से पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं होगा। मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, अभी इस काम से सुनोगे इस काम से निकाल दोगे काम खत्म, या ये असर 2 घंटा रहेगा उसके बाद फिर भैया नहीं। अगर लंबा अचीवमेंट करना है तो लंबी सोच रखनी होगी और लंबा वर्क करने की आदत रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 36% and 40% इन ए बिल ऑफ रुपीज 1 लाख बिल है BIWF। ओके, कहता है ना कि एक सिंगल डिस्काउंट है 40% और
दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 36% 40%, दोनों का डिफरेंस बिल एक लाख है, सक्सेसिव डिस्काउंट दो को दिया हुआ है सिंगल डिस्काउंट, तो फर्स्ट सक्सेसिव डिस्काउंट 1,00,000 का 36% 36,000 होता है, और अब प्राइस कितना हो जाएगा 1,00,000 में 36,000 घट के 64,000 हो जाएगा, सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट का कितना अमाउंट आएगा 64,000 का चार्ज 25,600, तो टोटल डिस्काउंट कितना आया दोनों को जोड़ देंगे 38,560 रुपी, और सिंगल डिस्काउंट 1,00,000 का 40% निकालोगे सीधा 40,000 आ गया, तो डिफरेंस कितना हुआ इस 40,000 में ये 38,560 घटा देंगे, जब घटाएंगे तो आएगा 1440 रुपए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे बच्चों, ए शॉपकीपर अलाउड ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इफ ही गेट्स रुपीज 108 देन व्हाट इज द एमपी, कहता है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद में 108 रुपए में मिलता है तो एमपी बता, लेट बी एमपी एक्स रुपीज मान लिए और हमने उस पे फर्स्ट डिस्काउंट दिया 20% एक्स माइनस एक्स का 20%, जब इसे काटेंगे 5 टाइम में एक्स माइनस एक्स बाई 5 5 एक्स जब आया 5x माइनस एक्स घटाएंगे 4x बटा 5 हो गया, अब सेकेंड आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट प्राइस 4x बटा 5 माइनस 4x बटा 5 गुणे 10% काटेंगे 4x बटा 5 माइनस 4x बटा 50 50 आया 36x बाय 50 यानी 36x बाय 50 बराबर है 108 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालेंगे 150 रुपए आएगा, कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे बच्चों, द एमपी ऑफ ए वॉच इज रुपीज 720, ए पर्सन परचेज 18,550 यानी 550 रुपए 80 पैसा आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, इफ द फर्स्ट डिस्काउंट वाज 10% देन व्हाट वाज द सेकंड डिस्काउंट, 720 रुपए घड़ी को 550 रुपए 80 पैसा में खरीदा टू सक्सेसिव डिस्काउंट पे, पहला सक्सेसिव डिस्काउंट 10% है तो दूसरा कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, एमपी 720 बच्चे 550 80 फर्स्ट डिस्काउंट 10% फाइनल सेकंड डिस्काउंट, पहले प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट देखेंगे 720 माइनस 720 का 10% 72 रुपए घटाएंगे 648 हो गया, यानी कि सेकंड डिस्काउंट कितना है 648 माइनस 550 रुपए 80 पैसा में कहते हो घटाएंगे 97.20 रुपीज अभी और डिस्काउंट मिला है, परसेंटेज डिस्काउंट जो पूछ रहा है 97.20 मल्टीप्लाई 100 बाय 648 पॉइंट लाएंगे 20 का आ जाएगा 20 काटेंगे यानी 9720 बाय 648 डिवाइड करेंगे 15 बार में कट जाएगा, राइट आंसर 15% सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे बच्चों, द एमपी ऑफ एन आइटम इज रुपीज 900 बट ए रिटेलर परचेज इट ऑन 40% डिस्काउंट and sell into on rupees 900, the percentage profit of the retailer is, yani ki 900 rupiya ka koi samaan hai jisko retailer ne 40% discount pe khareeda aur use 900 rupiya mein hi bech diya to uska profit percent hai, mp 900 discount 40% aur sp 900 hai to cp kitna hua 900 ka 40% ghata denge 900 mein se to 360 aayega yani 540 rupaye hamara cp hai, प्रॉफिट कितना हुआ एसपी माइनस सीपी सामने एसपी है सीपी को घटा दिया 360 रुपए आया तो प्रॉफिट परसेंट 360 गुणे 100 बटा सीपी डालेंगे काटेंगे तो आएगा 200/3 यानी 66 मिक्स 2/3%। ओके नेक्स्ट नंबर 5 को देखते हैं बच्चों, कहता है टू कंपेनियंस ऑफर ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30% and 40%, 5%, 5% respectively on product of MP rupees 10,000. What is the extra saving after selection the bidder? कहने का मतलब यह है कि कोई सामान का दाम 10,000 रुपया है और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दुकानदार ऑफर करता है, पहला कहता है 10-10-30 दूंगा और एक बार कहता है 40-5-5 दूंगा, तो हु इज बेस्ट, पहले तो ये निकाले दोनों में अच्छा कौन है बेटर कौन,
तो देखिए एमपी 10,000 है, फर्स्ट डिस्काउंट आफ्टर प्राइस क्या होगा, 10,000 का 10% घटा देंगे 9,000 आएगा। सेकंड डिस्काउंट अब ये 9,000 का 10% 9,000 में घटाएंगे तो 8,100 आएगा। थर्ड डिस्काउंट आफ्टर प्राइस 81,000 में 81,000 का 30% घटाएंगे तो 2430 घटेगा और 5670 रुपया प्राइस आ गया सामान का, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट आपको कितने में मिला, 5,673। अगर दूसरे तरीके से देखते हैं 45% में पहला डिस्काउंट 40% करेंगे तो 4,000 घटेगा 6,000 हो गया। सेकेंड डिस्काउंट 5% 6,000 का निकालेंगे 300 घटेगा 5,700 हो गया। थर्ड डिस्काउंट 5% है 5,700 का 5% 285 घटाएंगे 5,415। अगर इस तरीके से लेंगे तो 5,670 और इस तरीके से लेंगे तो 5,415। तो हुई तो बेस्ट, कौन बेटर है, 40% 5% और 5% इज बेटर, मैं उस पर लूंगा सामान। और एक्स्ट्रा सेविंग कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे यानी 255 रुपया का यहाँ एक्स्ट्रा सेविंग है, यही आंसर है। ओके, थैंक यू।